Hello friends, this is Somdeep Ghosh. Welcome to my channel, and I would like to thank everyone who really supported our video. So keep watching our videos, stay connected. And today I am going to talk on a very important subject of BSc Agriculture third year. Non-agriculture students with having botany as a subject can also watch this video. And the name of the subject on which today we will talk is weed management. So on the screen you can see weeds. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. अब आपके सामने स्क्रीन पे वीड्स की डेफिनेशन है. मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ. सो व्हाट इज ए वीड? एनी अनडिजायरेबल प्लांट प्रेजेंट वेयर इट इज नॉट वांटेड. ओके, अनवांटेड प्लांट जहां वो नहीं चाहिए, वो अगर वहां उग जाए तो हम उन्हें वीड्स कहेंगे. ठीक है, इसके अंदर आपको मैं पॉइंट वाइज बताता हूँ. फर्स्ट है कि प्लांट पार्ट आउट ऑफ प्लेस. ठीक है, प्लांट आउट ऑफ प्लेस ऐसी जगह है जहां पे हमें फार्मर को वो प्लांट नहीं चाहिए और वो प्लांट वहां उग गया है, उसको हम वीड बोल देंगे. ठीक है, और अनडिजायरेबल प्लांट से आप जानते हैं जितने वीड्स है, खरपतवार हिंदी में इसको बोलते हैं. उसके बाद वो क्या है जो ह्यूमन बींग्स के यूज में नहीं आ रहा है प्लांट, उसको ह्यूमन बींग वीड बोल देते हैं. ठीक है, फिर है एनी अनडिजायरेबल प्लांट, वो मैंने आपको बता ही दिया है. और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या बोलती है मैं आपको बताता हूँ. ए हर्बेशियस प्लांट नॉट वैल्यूड फॉर यूज ऑफ ब्यूटी, ग्रोइंग वाइल्ड एंड रिगार्डेड एज कम्बरिंग द ग्राउंड और हिंडरिंग द ग्रोथ ऑफ सुपीरियर वेजिटेशन. इसका मतलब है ऐसे कोई भी प्लांट्स है जो ज्यादा ब्यूटीफाई नहीं करते किसी लैंड को. ठीक है, और जंगली रूप में बढ़ते जा रहे हैं. ठीक है, और उनका कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है, उन्हीं को हम सिंपल लैंग्वेज में वीड्स कह रहे हैं. ठीक है, तो आप ये स्क्रीन पे देख लीजिएगा. अब आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड. यहाँ पे कुछ वेराइटीज के मैंने आपको वीड्स दिखाए हैं. इन वीड्स में पहला है एकॉर्निया क्रेसिपिस. ठीक है, ये पानी में होता है. ठीक है, वाटर एक्वाटिक है. पिस्टिया ये हो गया. फिर उसके बाद लेमना माइनर और एजोला पिन्नाटा. एजोला पिन्नाटा कभी कभार नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का कभी कभार यूज आ जाता है. ओवरऑल ये सारे वीड्स है, आप एक बार देख लीजिए. और आगे चलते हैं. अब आपके सामने है यहाँ पे कुछ मैंने बॉटेनिकल नेम दिए हैं जो इम्पोर्टेंट वीड्स के. ठीक है, यहाँ पे हम इनमें बात करेंगे. पहला यूफोर्बिया प्रोस्टाटा. ठीक है, इसको पिटी स्पर्ज भी बोलते हैं. फिर कॉन्वोबुलस अरवेंसिस. ठीक है, इसको फील्ड बाइंड वीड बोलते हैं. ठीक है, और साइनोडोन डक्टाइलोन, मतलब बरमूडा ग्रास, जो बरमूडा घास है इसको साइनोडोन डक्टाइलोन कहते हैं. और साइप्रस रोटेंडस, ये इसको पर्पल नट सेज भी कहते हैं. तो ओवरऑल जो इम्पोर्टेंट है वो है यूफोर्बिया प्रोस्टाटा. ठीक है, कॉन्वोबुलस अरवेंसिस, साइनोडोन डक्टालोन आपको याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बरमूडा ग्रास और साइप्रस ओटेंडस. और टोटल लिस्ट आपके स्क्रीन के सामने है, इफ यू जस्ट वांट टू रिमेम्बर. 4 to 5 याद रख लीजिए, दैट इज मोर देन इनफ. अब आगे चलते हैं हम. यहाँ पे है वीड्स. नाउ आई एम गोइंग टू क्लासीफाई वीड्स. अब मैं वीड्स को कंप्लीटली साइंटिफिकली क्लासीफाई करूंगा. पहला है यहाँ पे मैं आई एम गोइंग टू क्लासीफाई इट. पहला है बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, मतलब प्लांट्स कैसे दिखते हैं. बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल, उनकी लाइफ साइकिल कैसी है. बेस्ड ऑन हैबिटेट, की हैबिटेट का मीनिंग है वो वीड कहाँ ग्रो करता है, वो उसका हैबिटेट हो गया. फिर बेस्ड ऑन ओरिजिन, उसमें वो दो आते हैं कि एक इंडिजीनियस है कि वो जिस कंट्री में ग्रो करता है वहीं का है, या फिर कहीं बाहर से लाया गया है. फिर बेस्ड ऑन एसोसिएशन, कि उस वीड का किसी स्पेसिफिक क्रॉप के साथ कोई एसोसिएशन है या नहीं, ये डिपेंड करता है. फिर है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ स्टेम, कि उसका स्टेम कैसा है, कि खोखला है या फिर वुडी है, सेमी वुडी है. ठीक है, या हर्बेशियस है. हर्बेशियस के अंदर आते हैं जो ग्रीन कलर के होंगे, वुडी नहीं होंगे. ठीक है, और है बेस्ड ऑन सॉइल टाइप, मतलब कौन से सॉइल में ग्रो कर रहे हैं, ब्लैक सॉइल में ग्रो कर रहे हैं या फिर रेड सॉइल में ग्रो कर रहे हैं. तो ओवरऑल ये 7 टाइप से क्लासिफिकेशन है. मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताने वाला हूँ. और सबसे पहले हम लाइफ साइकिल के बारे में बताएंगे आपको. लाइफ साइकिल के अंदर है पहले एनुअल्स है और दूसरे पेरिनियल्स. एनुअल्स का डेफिनेशन क्या है? एनुअल वो होते हैं जो दैट इज कंप्लीट ए लाइफ साइकिल इन लेस देन ए ईयर और विद इन ए ईयर. एक साल के अंदर जब वो अपनी लाइफ साइकिल वीड कंप्लीट कर लेता है तो वो होगा. फिर दूसरा है पेरिनियल. पेरिनियल का डिफिनेशन यह है परसिस्ट फॉर मोर देन 2 ईयर्स रिप्रोडक्टिव रिप्रोड्यूसिंग वेजिटेटिवली और बाय सीड्स. पहली बात, पेरिनियल्स के अंदर या तो वेजिटेटिवली वो ग्रो करते हैं या फिर एज पर सीड्स. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इनकी क्या खासियत है,
कि ये 2 साल तक ग्रो करते रहते हैं, एनुअल 1 साल के अंदर अपनी साइकिल कवर कर लेते हैं, जबकि पेरिनियल्स 2 या 2 साल से ज्यादा कवर करता है। इसमें भी 2 तरीके के हैं पेरिनियल्स में, एक है सिंपल, दूसरा है क्रीपिंग। सिंपल में है रिप्रोड्यूस ओनली बाय सीड, सिंपल्स वो है जिनके सीड से ही वो ग्रो होते हैं, मतलब बीज से ही वो वीड फैलते हैं आगे। और क्रीपिंग के अंदर क्या है, क्रीपिंग थोड़ा मॉडिफाइड है, इसमें सीड्स भी यूज होते हैं, स्पोर्स से ग्रो हो सकता है, स्टोलोन्स, राइजोम्स और ट्यूबर्स, इनकी मैं आगे बात करूंगा आपको, कोई भी वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यह है बेस्ड ऑन हैबिटेट। अब हैबिटेट मतलब जहां वो कहां रहता है, कहां ग्रो करता है कोई वीड। तो पहला है टेरिस्ट्रियल, ग्रोइंग ऑन लैंड। टेरिस्ट्रियल मतलब होता है जो लैंड पे, जमीन पे उगते हैं। ठीक है, दूसरा है एक्वाटिक। एक्वा का मतलब होता है पानी, पानी में जो ग्रो करता है, या फिर पानी के पास भी करता हो तो भी उसे कहेंगे। पहला है फ्री फ्लोटिंग। आपने देखा होगा कि पानी के सरफेस के ऊपर, नदी नालों में, वो सरफेस के ऊपर जो प्लांट्स ग्रो करते रहते हैं, ठीक है, वो हो गए फ्री फ्लोटिंग। फिर एमर्ज्ड वो है द रूट्स बीनिथ द वाटर एंड लीव्स अबव द सरफेस, जिनके रूट्स जो है वो पानी के अंदर होते हैं, ठीक है, पानी के अंदर, छिछले पानी में, और उनके जो लीव्स वगैरह है वो बाहर सरफेस तक आ जाते हैं। और फिर है सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड में है नॉर्मली विथ ऑल देयर लीव्स बीनिथ द वाटर सरफेस, ठीक है, बट मे हैव फ्लोरल पार्ट्स अबव वाटर। मतलब इसके अंदर सारे लीव्स वगैरह सब पानी के अंदर है, लेकिन फ्लावर जो है, रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर, ये हो सकता है कि ये पानी से बाहर। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको टेरिस्ट्रियल, एक्वाटिक, ओके, एक्वाटिक में है फ्री फ्लोटिंग, एमर्ज और सबमर्ज। क्लियर हो गया, अब आगे चलते हैं। अब आपको मैं बताने वाला हूं इसके वेजिटेटिवली प्रोड्यूस, मतलब किस तरीके से कोई अगर वीड है वो वेजिटेटिव रूप से कैसे रिप्रोड्यूस करता है। इसके अंदर सबसे पहला है, ये वेजिटेटिव नहीं है, पहला सीड, मोड्स ऑफ रिप्रोड्यूशन, पहला है सीड, सीड्स के द्वारा अगर कोई वीड फैलता है, ठीक है। दूसरा है स्प्रेडिंग रूट्स। इसके अंदर एक जो मेन रूट होता है उससे कई सारे रूट्स निकल जाते हैं और उससे वो वीड ग्रो करता रहता है अपने आप ही। और राइजोम्स के अंदर आपने देखा, ये राइजोम्स के अंदर एक प्लांट से दूसरे प्लांट स्टेम टू स्टेम कनेक्ट होकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर स्टेलोन्स भी ऐसा ही है, ऑलमोस्ट राइजोम जैसा, थोड़ा सा इसके अंदर आप डिफरेंस देख सकते हैं मॉर्फोलॉजी में। और ट्यूबर्स के अंदर क्या है, एक प्रोमिनेंट जो रूट है वो डेवलप हो जाता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज ट्यूबर, और उससे वो ग्रो करता है। और एक है बल्बिल्स। इसके अंदर क्या होते हैं कि रूट्स जो है मॉडिफाई हो जाते हैं, ये जिसमें प्याज की तरह आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये ऐसे है। आपको इन एनी एग्जाम्स इफ यू आस्क डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ कैसे है, तो सीड्स के अलावा स्प्रेडिंग रूट्स हो गए, राइजोम्स हो गए, स्टोलोन्स हो गए, ट्यूबर मैंने आपको बता दिया, और बल्ब्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहां मैं आपको बताने वाला हूं कि कोई भी वीड है वो नॉर्मली आइडियल कैसे वीड दिखता है। ठीक है, यहां इसकी मॉर्फोलॉजी हम आपको बताते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ वीड। पहला है कि यहां आप देख सकते हैं रेड कलर में फ्लावर है, ये एक आइडियल डायग्राम है वीड, इससे अलग भी दिख सकते हैं। इसमें पहले है फ्लावर, ठीक है, फिर टर्मिनल बर्ड आ गया, इसके अंदर नोड्स हो गए, दो स्टेम के वो पार्ट जहां पे, जहां से कोई लीव्स ग्रो करे तो उसे नोड कहेंगे। और इंटर नोड आप देख सकते हैं, 2 नोड के बीच का स्पेस जहां पे लीफ नहीं है वो इंटर नोड हो गया। फिर एक्सिलरी बर्ड क्या है, जहां से या तो लीव्स निकलेंगे या बर्ड निकलेंगे, हो गया। फिर उसके बाद हम वेजिटेटिव ब्रांच कह रहे हैं, इसका मतलब वेजिटेटिव ब्रांच मतलब वो ब्रांच से भी और ग्रो हो सकते हैं इफ पॉसिबल, ठीक है। फिर पत्ते बता दिए, दैट इज लीव्स। लीव्स में 2 पार्ट है, एक ब्लेड, जो मार्जिन्स होते हैं उसको ब्लेड कहते हैं, और जो सेंटर पार्ट हो गया पिटियोल हो गया, ये प्रोमिनेंट स्टेम। इसके बाद आप देख पा रहे हैं जस्ट लीफ के नीचे, ठीक है, स्टेम के बाद आ गया टैप रूट, ये एक रूट स्ट्रक्चर है, टैप रूट की जगह कोई दूसरा रूट भी हो सकता है, ये जो मेजर रूट है ये, और नीचे है लेटरल रूट्स, जो मेन रूट से दूसरे सेकेंडरी रूट्स निकलते हैं, एक रूट से दूसरे रूट्स, तो उसको लेटरल रूट्स कहते हैं। और यहां मैं आप देख सकते हैं इस तरफ कि शूट सिस्टम, शूट सिस्टम कितना है, फ्लावर से स्टेम तक टोटली जितने आ रहे हैं, दैट इज फ्लावर और नोड, इंटर नोड, एक्सिलरी बर्ड, टर्मिनल ब्रांचेस, वेजिटेटिव पार्ट्स, पिटियोल, लीव्स, ये सारे शूट सिस्टम में है। रूट सिस्टम में क्या है, 2 ही चीजें, टैप रूट और लेटरल रूट्स। ये एक आइडियल एग्जांपल था वीड की मॉर्फोलॉजी समझाने के लिए, वीड कैसा दिखता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां हम बात करने वाले हैं क्रॉप वीड कॉम्पिटिशन, ठीक है। यहां मैं आपको बताऊंगा, आप जो सेंटर में एक डार्क ग्रीन प्लांट देख रहे हैं, ये एक एलिलोपैथिक प्लांट है, ठीक है। ये एक ऐसा, एलिलोपैथी का मतलब है ऐसे प्लांट सब्सटेंसेस, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स,
जो जब वो प्लांट या तो रूट से या स्टेम से या लीव से या फिर गैसियस रूप से ऐसे सब्सटेंस रिलीज करता है नेचर में, जिससे आसपास दूसरे प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते, मर जाते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं सेंटर में डार्क ग्रीन कलर का जो प्लांट है, ये एक एलिलोपैथिक प्लांट है। ये प्लांट दूसरे प्लांट्स को ग्रो नहीं करने देता, दूसरे स्पीशीज और वेराइटीज के। और ये नीचे आप देख सकते हैं एरो जो है, ये बता रहा है कि चारों तरफ से ये ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स या फिर ऐसे कंपाउंड्स रिलीज करता ही जा रहा है, जिससे ये जो बाकी पास में जो डार्क लाइट ग्रीन कलर के प्लांट्स हैं, कोई भी प्लांट हो सकता है फॉर एग्जाम्पल ये क्रॉप, वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो होपफुली इस प्लांट्स को अगर हटा दें, एलिलोपैथिक प्लांट को, तो ये क्रॉप वीड कॉम्पिटिशन खत्म हो जाता है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ वीड कंट्रोल मेथड्स। वीड कंट्रोल मेथड मतलब वीड जो है इसको हम किस तरीके से बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट चार है, वैसे काफी सारे हैं, ये बेसिक बेसिक फोर है। फर्स्ट इज कल्चरल मेथड, देन फिजिकल मेथड, फिर केमिकल मेथड और बायोलॉजिकल मेथड। जो केमिकल और बायोलॉजिकल मेथड्स में, केमिकल मेथड्स वो है जिसके अंदर आप केमिकल्स का यूज करेंगे और वीड्स को या तो ग्रो नहीं करने देंगे या फिर उनको मार देंगे, किलिंग। बायोलॉजिकल मेथड्स में हम ऐसे बायोलॉजिकल एजेंट्स का यूज करते हैं, कोई दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो इन वीड्स को ग्रो नहीं करने देगा। कल्चरल मेथड्स की हम आगे बात करेंगे, और फिजिकल मेथड्स वो है मैकेनिकल मेथड, आप वीड्स को उखाड़ के बाहर निकाल दीजिए और मशीन चलवा लीजिए। ये जो बेसिक चीजें हैं ये कल्चरल फिजिकल में आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है केमिकल एंड बायोलॉजिकल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पिरामिड एक बना रखा है मैंने, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेक्टिव, यू आप इसे यूज भी कर सकते हैं किसी भी एग्जाम्स में वीड साइंस के। यहाँ पे पहला लिखा हुआ है सबसे नीचे डाउन में, आप देखिए प्रिवेंशन। सो व्हाट इज प्रिवेंशन, कि आप ऐसे कंडीशन करें जिससे आप वीड को ग्रो ही ना होने दें, सबसे पहले जिससे आप जो फील्ड है उसको कंप्लीटली क्लीन कर दें। अगर उसके बाद फिर भी ग्रो हो रहा है तो हम कल्चरल मेथड्स का यूज करेंगे। इसके अंदर क्या करते हैं हम, कल्चरल मेथड से, क्रॉप रोटेशन से, जो भी टेक्निक है हमारे पास, उससे इनके बीज को कंप्लीटली खत्म कर देते हैं। ठीक, फिर आता है फिजिकल मेथड। फिजिकल में लिखा हुआ है मैकेनिकल। मैकेनिकल मेथड्स में हम मशीन्स का यूज कर सकते हैं, हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर सकते हैं जिससे हम वीड्स को उखाड़ के फेंक पाए। ठीक, फिर आता है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड के अंदर हमने बताया कि मैं आगे बात करूंगा इसके अंदर, कि हम ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव की इस्तेमाल करें जो जीव उन वीड्स को खा जाए और खत्म कर दें। और केमिकल हम जानते ही हैं कि हम इसकी जगह हर्बिसाइड का यूज करेंगे और वीड्स को खत्म कर देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ है इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, ये मैं इसी के साथ ही कवर करने वाला हूँ। हाँ, इसके अंदर सबसे पहले बताते हैं कितने ऐसे तरीके हैं जिसको हम वीड मैनेजमेंट में यूज कर सकते हैं। सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी आप रैंडम स्टार्ट कर लें। पहले जैसे बायोलॉजिकल कंट्रोल मैंने बता दिया, बायोलॉजिकल एजेंट्स के हेल्प से होगा। फिर है हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड्स के अंदर जो है जितने हर्बिसाइड केमिकल्स हैं उनको मैं ब्रीफली आगे पढ़ाऊंगा आपको, जैसे एट्रेजिन, सिमाजिन, डेलाफोन। ठीक है, फिर आगे बात करना है प्रिवेंशन की, आप ऐसे कंडीशंस करें कि ऐसे लैंड पे लगाएं क्रॉप को जहां पे पहले से वो वीड है ही नहीं, वो एक बेटर ऑप्शन है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मल्चिंग। मल्चिंग प्रोसेस में आप क्या करते हैं, आप जो लैंड है उसको प्लास्टिक पॉलीथीन रैप से कवर कर लेते हैं लेयर से, और जिससे वो सोलराइजेशन के चलते वो जो वीड के सीड से वो हीट से मर जाते हैं। फिर हैंड पुलिंग, या बहुत अच्छे जानते हैं कि आप नेचुरल प्रोसेस से सीधा वीड को पकड़े और खींच के निकाल के फेंक दें, ये है। कल्टीवेशन, कल्टीवेशन प्रोसेस यूज करें। मोइंग, ये फिर वो मशीनरी मैसेज मशीन टेक्निक है मोविंग। इसके अंदर क्या होता है, ग्रासेस को काट दिया जाता है मोवर से, मोवर इज ए मशीन। फिर इरिगेशन की, आप इतना पानी दें कि वाटर से सफोकेशन होने लग जाए प्लांट को और वीड मर जाए। ठीक, फिर आता है बर्निंग, ये आप फ्लेमिंग या बर्निंग दोनों बोलते हैं, जिसके अंदर आप ये कोई भी वीड है उसको आग लगा के जला देते हैं, दैट इज फ्लेमिंग या बर्निंग। फिर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग में क्या होता है, कोई भी एनिमल है उस, कोई भी कैटल वेटल आपके पास है उनको आप छोड़ देते हैं, वो उन वीड्स को खा लेते हैं अगर खाने लायक है तो। फिर रीवेजिटेशन कि आप फिर से दूसरे क्रॉप्स लगाएं, जैसे कॉम्पिटिटिव क्रॉप्स होते हैं, जैसे मैरीगोल्ड, अगर आप मैरीगोल्ड लगाते हैं तो कई सारे ऐसे वीड्स हैं वो वहां ग्रो नहीं करते कॉम्पिटिटिव। और फर्टिलाइजेशन कि आप फर्टिलाइजर का यूज करें अच्छे से, जिससे ये जो हमारा जो मेन क्रॉप है वो इतना स्ट्रांग हो जाए
क्या वो बीड से आराम से कॉम्पीट कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से, और एट लास्ट जो है ही हमारे पास लास्ट ऑप्शन, दैट इज हर्बिसाइड्स, ठीक। और इससे ये इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे है इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। ये बेसिकली इसके प्रिंसिपल्स है, मैं इसको आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा, ट्राई टू लिसन, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ए वीड मैनेजमेंट प्रोग्राम यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिवेंटिव कल्चरल मैकेनिकल एंड केमिकल प्रैक्टिसेस। इसमें क्या कह रखा है कि हम वीड मैनेजमेंट में ऐसे तरीके यूज करेंगे जो प्रिवेंटिव या तो रोक सके, या फिर कल्चरल मेथड का यूज करें, मैकेनिकल यानी कोई मशीन्स का यूज करें, या फिर केमिकल प्रैक्टिसेस, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स यूज करें जो वीड को खत्म कर दें। फिर बात करते हैं हम अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ IWM, वही है। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, मिनिमाइज ओवरऑल इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ वीड्स, कि वीड्स के पॉपुलेशन को इतना कम रखें, इतना रिड्यूस करके हम रखें कि वो हमारे मेन क्रॉप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। दूसरा, रिड्यूस हर्बिसाइड यूज, हमको हर्बिसाइड का यूज मिनिमम करना है, कि हम जानते ही इन्वायरमेंट को काफी नुकसान पहुंचाती है हर्बिसाइड्स केमिकल्स। प्रोवाइड ऑप्टिमम इकोनॉमिक रिटर्न्स, कि हम इस तरीके से वीड्स को खत्म करें कि हमारे इकोनॉमिकली कोई लॉस नहीं हो हमको। फिर एट लास्ट, डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन ए फ्यू जनरल रूल्स दैट कैन बी यूज्ड इन एनी फॉर्म, ठीक है। इनके जनरल रूल्स हुए, मैंने आपको बताया कि प्रिवेंटिव कल्चरल मैकेनिकल केमिकल मेथड्स, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, हम बात करने वाले इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बायोलॉजिकल मेथड। ये हम अभी इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट के अंदर ही पढ़ रहे हैं। पहला आता है बायोलॉजिकल मेथड, इसमें क्या है, प्लांट पेस्ट आर कंट्रोल्ड बाय नेचुरल एजेंट्स। नेचुरल एजेंट्स माने ऐसे ऑर्गेनिज्म या फिर इंसेक्ट्स जिन जो वीड को खा ले और कंट्रोल कर सके। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे प्रीडेटर्स वो जो उनको अटैक करके खत्म कर दें, जैसे लेडी बर्ड बीटल्स, ये लिखने से आपको काफी रहेगा। फिर है पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो उन्हीं वीड के ऊपर ग्रो करते हैं, उनको मारते नहीं है लेकिन उनको बढ़ने भी नहीं देते। इनका एग्जाम्पल है डिगर वास्प, ओके ऑन द स्क्रीन। फिर है पैथोजन जो बीमारी क्रिएट करे, इसमें है बैक्टीरिया, कई सारे ऐसे बैक्टीरिया है, इवन एक फंगस है ट्राइकोडर्मा, वो भी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आप इसमें तीन तरीके से लिख सकते हैं, प्रेडेटर्स में लेडी बर्ड बीटल, लेडी बीटल्स, पैरासाइट्स के अंदर डिगर वास्प लिख दें आप, पैथोजन के अंदर कुछ बैक्टीरिया, ओके, जो लार्वे को खत्म करते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हाई यील्डिंग टॉपिक, इसलिए मैं थोड़ा पॉज दे रहा हूं, कि हर्बिसाइड जो है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब अगर आप गौर से सुनेंगे, देन यू विल यील्ड मोर मार्क्स, यू विल गेट मोर मार्क्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हर्बिसाइड्स। सो हर्बिसाइड्स को चार तरीके से यहाँ क्लासिफाई किया गया है। पहले बेस्ड ऑन केमिस्ट्री मींस इसके केमिकल कंपोजिशन क्या है। फिर है बेस्ड ऑन टाइम ऑफ एप्लीकेशन, कि कब अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। फिर है बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन, कि उसका क्या एक्शन है, किस तरह से एक्ट करता है वो। फिर बेस्ड ऑन सिलेक्टिविटी, क्या उसको हम वो डायरेक्ट प्लांट को मारता है, इनडायरेक्टली मारता है, ये सिलेक्टिविटी। तो ओवरऑल केमिस्ट्री, टाइम ऑफ एप्लीकेशन, मोड ऑफ एक्शन और सिलेक्टिविटी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है बेस्ड ऑन केमिस्ट्री, मैं इस पर मोर ज़्यादा फोकस करूंगा, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले ग्रुप्स आप देख सकते हैं इधर, और उसके आगे हर्बिसाइड्स। तो ये बेस्ड ऑन इनके कंपोजिशन में बांटे गए हैं। पहला है एलिफेटिक्स में क्या है, डेलाफोन और TCA, ये एलिफेटिक्स के अंडर में आते हैं। फिर हम बात करें एमाइड्स में आते हैं एलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर, प्रोपानिल, हो गया। फिर आते हैं बाइपायरिडिनम्स, इसके अंदर आते हैं पैराक्वेट और डाइक्वेट, है। उसके बाद डाइनाइट्रो एनिलिन्स, इनमें आते हैं फ्लूक्लोरेलिन और पेंडीमिथाइलिन, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। डाइनाइट्रो एनिलिन्स में फिर से रिपीट करता हूँ, फ्लूक्लोरेलिन और पेंडीमिथाइलिन। फिर फिफ्थ नंबर पे है फिनॉक्सी एसिड्स। जब हम फिनॉक्सी एसिड्स की बात करते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फेमस है 2,4-D और MCPA। फिर हम बात करते हैं थायोकार्बामेट्स की। थायोकार्बामेट्स में आप एक ही नाम याद रखिए, दैट इज मोर देन इनफ, दैट इज बेंथियोकार्ब, हो गया। और ट्राइएजिन 7 नंबर पे है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पोस्ट एमरजेंट हर्बिसाइड है, ये है एट्राजिन और सिमाजाइन। एट्राजिन, सिमाजाइन, ये ट्राइएजिन्स के अंडर में आते हैं। फिर है फिनाइल यूरियास, इसके अंदर हम बात करते हैं, दो ही आते हैं, मोन्यूरोन और डायूरोन। ये अगर यूरोन यूरोन लगा हुआ दिख गया, ऑलमोस्ट मोन्यूरोन डायूरोन, ये फिनाइल यूरियाज है। और सल्फोनिल यूरियाज, इसमें सल्फेट्स है,
ठीक है, सल्फोनील रिवर्स के नाम क्या है? मेट सल्फ्यूरोन, पहला मेट सल्फ्यूरोन, फिर सल्फ्यू सल्फोरोन, ठीक है। तो इस तरीके से कैटेगरीज हमने बांट दी हैं और यू कैन टेक स्नैपशॉट ऑफ इट। आगे बढ़ते हैं, अब मैं बात करने वाला हूँ बेस्ड ऑन टाइम ऑफ एप्लीकेशन की, मतलब कब डालना है कोई हर्बिसाइड। पहला है प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, पीपीआई। इसका मतलब होता है प्लांट या फिर क्रॉप को लगाने से पहले जो हम छिड़काव करते हैं, इसमें दो आते हैं, मिट्टी में सॉइल अप्लाइड, मिट्टी में हम डालते हैं एलाक्लोर और फ्लुक्लोरेलिन, ठीक है। और फॉलिएज एप्लीकेशन मतलब प्लांट्स पे जो हमें मारना है हर्बिसाइड्स को, उन पे हम डालेंगे फॉलिएज अप्लाइड में ग्लाइफोसेट और पैराक्वेट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्री एमरजेंस। प्री एमरजेंस वो है कि जस्ट वीड आने से पहले हम उसमें करेंगे। इसमें है एट्राजिन, सीमाजिन और डायोरॉन, इट इज वेरी इजी। और अब मैंने आपको बताया था ट्राइजिन और सीमाजिन ये क्या है, एट्राजिन और सीमाजिन ये ट्राइजिन के अंडर में आता है, डायोरॉन जो है यूरियास के अंदर में आता है, फिनाइल यूरियास। और पोस्ट इमरजेंस क्या है कि क्रॉप भी ग्रो कर गया है और वीड भी ग्रो कर गया। अब वीड को खत्म करने तो हम डालेंगे 2,4-D, ओके, मतलब बाद में, जस्ट हर उसके बाद में 2,4-D और प्रोपानिल। तो ठीक है, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। इस प्री प्लांट कॉर्पोरेशन पीपीआई में सॉइल एलाक्लोर, फ्लुक्लोरेलिन और फॉलिएज में ग्लाइफोसेट, पैराक्विट, ठीक है। फिर प्री इमरजेंस में एट्राजिन, सीमाजिन, ड्योरॉन, पोस्ट इमरजेंस में 2,4-D, प्रोपानिल, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारे सामने एक्वाटिक प्लांट्स। एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर हम बात करने वाले हैं बेस्ड ऑन देयर ग्रोथ, कहाँ ये ग्रो कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे एमरजेंट प्लांट्स की बात करते हैं। एमरजेंट प्लांट्स वो होते हैं जिनके रूट्स जो है ये मिट्टी के अंदर है और जो लीव्स है ये पानी के बाहर आ जाते हैं, ठीक है। ये एकदम बॉर्डर्स या कॉर्नर्स पे होते हैं। फिर आगे जाते हैं, हम बात करते हैं रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स की। रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स के अंदर क्या होता है, इनका जो लीव्स और ब्रांचेस है ये तैर रहे होते हैं पानी में, ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, लेकिन इनकी जड़ अभी भी मिट्टी में है अंदर। फिर हम सबमर्ज की बात करते हैं। सबमर्ज का मतलब होता है टोटली मर्ज्ड, अगर रूट, लीव्स, प्लांट्स, सब कुछ, पूरा प्लांट ही पानी के अंदर है, कुछ भी बाहर नहीं आया, ये सबमर्ज्ड है, ठीक है। और आप एक देख सकते हैं एक और कैटेगरी फ्री फ्लोटिंग, ना तो इसके रूट्स मिट्टी में होते हैं और नए प्लांट मिट्टी में अंदर होता है, ये ऊपर फ्लोट कर रहा होता है। इसके रूट्स है वो भी पानी में होते हैं, लीव्स भी पानी में होता है, स्टेम भी पानी में होता है। तो ओवरऑल आप सिर्फ नाम याद रखिए, एमरजेंट, ओके, रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स, सबमर्ज प्लांट्स और एट लास्ट फ्री फ्लोटिंग, ठीक है। अब हम आगे बढ़ाते हैं, अब हम बात करने वाले, इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वर्ड्स में, यू कैन ऑल्सो टेक स्नैपशॉट, ठीक है। अब इसमें बात करता हूँ सबमर्ज्ड वीड्स की। सबमर्ज्ड क्या है, वीड्स ग्रो अंडर वाटर, मैंने आपको पहले ही बता दिया है इस डायग्राम से, जो एकदम पानी के अंदर ग्रो करते हैं एकदम डीप में, वो इसका एग्जाम्पल है लम्मा पॉलीराइजा, ठीक है, लम्मा पॉलीराइजा। सेकेंड है एमर्ज्ड, एमर्ज्ड मैंने आपको बताया था कि रूट्स मिट्टी में होंगे और आधी आधा पार्ट बाहर होगा। इसमें एंकर्ड वीड्स ग्रोइंग इन वॉटर विथ मेजर फॉलिएज ऑन द अबव सरफेस, ठीक है, निलुम्बियम स्पीशियोकम, ठीक है। उसके बाद बात कर रहे हैं मार्जिनल वीड्स, ये कुछ ऐसे वीड्स है, वीड्स ग्रोन मोस्टली इन द शोर लाइन्स, ये शोर लाइन्स में ग्रो करते हैं, ठीक है। और इनकी डेप्थ होती है 60 to 90 centimeter पानी के अंदर। इनका एग्जाम्पल है टाइफा ग्रास, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। फिर पॉलीगोनम स्पीशी। फिर बात कर रहे हैं हम फ्लोटिंग वीड्स की। फ्लोटिंग का मतलब समझ के तैरने वाला वीड। अब इस वीड की क्या खास बात, आपको पहले ही समझ में आ गया होगा कि वीड लीव्स फ्लोट ऑन वाटर, पानी पे फ्लोट करते रहते हैं और सरफेस जो है वो किसी से टच नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल आपको याद करना, फ्लोटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है एकॉर्निया क्रेसिपिस, ठीक है, दूसरा पिस्टिया और निम्फिया, ये थर्ड, ये तीन ही आपको याद रखना, एकॉर्निया क्रेसिपिस, पिस्टिया और निम्फिया, ये। और इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ हाउ डू वीड्स अफेक्ट क्रॉप, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस तरीके से वीड्स हमारे क्रॉप्स को अफेक्ट करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। तो पॉइंट वाइज बात करूंगा, इट वुड बी वेरी इजी, फर्स्ट कम्पीट विद द क्रॉप फॉर लाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस, मतलब यहाँ जो है कॉम्पिटिशन होता है वीड जो है क्रॉप के बीच में, वीड और क्रॉप के बीच में, किस चीज के लिए, लाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स और स्पेस के लिए, ठीक। फिर हार्बर इंसेक्ट, पेस्ट, वर्टिब्रेट्स एंड प्लांट डिजीज। वीड्स को क्यों हटाया जाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इनके अंदर इंसेक्ट पेस्ट, इनसे डिजीजेस फैलते हैं। फिर है कंटेमिनेट द प्रोडक्ट एट हार्वेस्ट,
इसमें क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मस्टर्ड के सीड्स के अंदर अगर अर्जीमोन मैक्सिकाना जो वीड है उसके मिक्स हो गए सीड्स, तो वो पॉइजनस हो जाता है। उससे जो डिजीज होता है उसका नाम है ड्रॉपसी, और लोग मर भी जाते हैं, ब्लाइंड भी हो जाते हैं। फिर है क्लॉग इरीगेशन एंड ड्रेनेज कैनल्स। अगर ये रिवर्स में हो रहे हैं ऐसे वीड्स, तो ये क्या करेंगे कि ड्रेनेज कैनल्स को बंद कर देंगे, और जिससे वाटर का फ्लो रुक जाएगा, वाटर खराब हो जाएगा पानी। फिर है इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लॉन मेंटेनेंस एंड ब्यूटिफिकेशन, कि यहाँ पे भाई इनको निकालना, उखाड़ना और लेबर चार्ज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाता है। फिर है पोज ऑन हेल्थ हैजार्ड्स, हेल्थ हैजार्ड जैसे पार्थेनियम जो ग्रास है वो स्किन एलर्जी करता है, अस्थमा क्रिएट करता है, तो ये स्किन हेल्थ हैजार्ड करता है। फिर है इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लैंड प्रिपरेशन एंड हार्वेस्टिंग, मतलब आप सोचिए कि इतने सारे वीड्स है, पहले उनको उखाड़ो, फिर हार्वेस्टिंग करो, और फिर उसमें भी कंटेमिनेट हो जाएगा, मिक्स हो जाएंगे वीड्स, तो कितना कॉस्ट, मतलब कितना महंगा पड़ जाता है। तो यही है कि हमको इकोनॉमिक लॉस होता है वीड्स के कारण, ऑलमोस्ट 40% एग्रीकल्चर में। फिर पॉइजन लाइफ स्टॉक, मतलब अगर किसी एनिमल ने खा लिया अर्जीमोन मैक्सिकाना या कोई दूसरा वीड, तो वो मर जाएगा, तो लाइफ स्टॉक पॉइजनस होते हैं, लाइफ स्टॉक जो एनिमल्स है वो खा के मर जाते हैं। फिर है सम रिलीज टॉक्सिन्स विच इनिबिट द ग्रोथ ऑफ डिजायरेबल प्लांट्स, ये मैंने आपको कवर किया था एलिलोपैथिक प्लांट्स के अंदर, क्रॉप वीड कॉम्पिटिशन के अंदर, जिसके अंदर ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो रिलीज करते हैं जिससे जो मेन क्रॉप है वो ग्रो नहीं कर पाता, और प्लस सेकेंडरी सॉइल की फर्टिलिटी भी खराब हो जाती है, उसमें और कोई क्रॉप ग्रो नहीं कर पाता है। आगे चलते हैं, अब यहाँ लास्ट यहाँ पे हम बताएंगे वाई मैनेज नॉक्शियस वीड्स। नॉक्शियस मीन्स वो होते हैं जो नॉटी वीड्स हैं, जो हमारी प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों कंट्रोल करना है इन्हें, वाई शुड बी कंट्रोल। पहला है डिस्ट्रॉय वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, क्यों, ये पूरे वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को खराब करते हैं। सपोज कोई ऐसे वीड जिसको कोई वाइल्ड एनिमल ने खा लिया, मोस्टली हर्बीवोर ने, तो वो मर जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी बात, रिड्यूस रिक्रिएशन अपॉर्चुनिटीज, अगर कोई पीस ऑफ लैंड है वहाँ खाली वीड्स ही वीड्स है, जो उसकी ब्यूटिफिकेशन खत्म हो जाती है, ठीक है। फिर डिस्प्लेसेस थ्रेटेंड एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज, जो मेन जो वहाँ के रहने वाले स्पीशीज है, प्लांट स्पीशीज, उनको ग्रो नहीं करने देगा एलिलोपैथी के कारण। फिर रिड्यूस प्लांट एंड एनिमल डाइवर्सिटी, कि अगर एक ही तरीके का वीड ग्रो करता रहा तो दूसरे प्लांट और एनिमल्स क्यों, एनिमल अगर उन्होंने वीड को खा लिया तो मर जाएंगे, और दूसरे प्लांट्स को ग्रो नहीं करने देगा एलिलोपैथी के कारण, ठीक। और यहाँ पे नीचे है डिस्टर्ब्ड वाटरफॉल एंड माइग्रेटरी बर्ड फ्लाइट एंड पैटर्न नेस्टिंग, कई बार ये नेविगेशन में भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बर्ड्स के अंदर, और बर्ड्स की पॉपुलेशन इनके वजह से भी कम होती है। दूसरी, कॉस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन ट्रीटमेंट एंड लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी टू प्राइवेट लैंड ऑनर्स। इसमें क्या दे रखा है कि वही मैंने आपको बताया इकोनॉमिक लॉस, कि इससे जो एलिलोपैथिक कंपाउंड जो सिक्रीट करता है उससे उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है सॉइल की, तो प्रोडक्टिविटी जो मेन क्रॉप है वो ग्रो नहीं कर पाता, एट लास्ट फिर इकोनॉमिक लॉस होता है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट था, इन पॉइंट्स में हमने ओवरऑल सब कुछ कवर कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव बेस्ड स्टडी हुई है। ये स्टडी एक ऐसे तरह से हुई है जिससे हम हमारे कंपटीशन में मैक्सिमम प्रॉफिट उठा सकते हैं स्टूडेंट्स, और इट इज़ रियली हाई हील्डिंग वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।